बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू द लेटर पोर्शन फ्रॉम योर ग्रामर बुक एंड वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लेटर फ्रॉम योर बुक। इट्स पेज नंबर 18 एंड द फर्स्ट लेटर इज राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। कि आपने अपनी वालदा को ख़त लिखना है जो कि आपकी सेहत के बारे में परेशान है। तो लेटर राइटिंग का मैंने कल आपको पूरा मेथड बताया था, आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। सो आई विल रीड आउट द बॉडी टुडे, बॉडी ऑफ द लेटर। डियर मदर, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। प्यारी अम्मी, आपका ख़त मुझे कल मिला। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप ठीक हैं। आई वॉज रनिंग अ टेम्परेचर ड्यू टू बैड थ्रॉट। मुझे बुखार था क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था, बट इट वाज़ अ टेम्प्ररी एलमेंट। लेकिन ये एक वक्ती बीमारी थी। आई हैव रिकवर्ड नाउ और अब जो है मैंने इससे शिफा पा लिए या मैं सेहतयाब हो गई हूँ। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ। आपको मेरी सेहत के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई डाइट और मैं अपनी खुराक का खूब ख्याल रख रही हूँ एंड एक्सरसाइज रेगुलरली और एक्सरसाइज भी रेगुलरली कर रही हूँ। आई होप दैट आफ्टर दिस इंश्योरेंस यू विल स्टॉप वरिंग अबाउट मी। मुझे उम्मीद है कि इस ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं इससे आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ठीक हूँ, तो आप मेरे बारे में परेशान मज़ीद नहीं होंगी। लास्ट में फिर आपने जो है वो एंडिंग फ्रेज, क्लोजिंग फ्रेज डालना है, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। घर में सबको मेरी तरफ से मतलब सलाम दुआ दीजिएगा। देन यू विल हैव टू राइट सब्सक्रिप्शन और द क्लोजर ऑफ द लेटर। योर्स अफेक्शनेटली, आपकी प्यारी, देन एक्स वाई जी। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे और मेथड आपका वही होगा जो कल आपको पढ़ाया गया। Now we will do the second letter from your book. It's again on page number 18. Write a letter to your father asking him about the health of your mother. अब आपने ख़त लिखना है अपने वालिद को और उनसे अपनी वालदा की सेहत के बारे में पूछना है। Again आप वही method choose करेंगे। We will start from the body of the letter. Dear father, from Ali's letter, I have come to know that mother is suffering from high blood pressure. प्यारे अब्बू जान, अली के ख़त से मुझे पता चला कि अम्मी जो हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो उससे सफ़र कर रही हैं, उससे गुजर रही हैं। आई एम रियली वरीड अबाउट हर। मैं उनके बारे में बहुत परेशान हूँ। आई होप दैट शी इज़ टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको अपना रही होंगी अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। प्लीज़ आस्क हर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली। बराए मेहरबानी आप उनको कहें कि वो अपनी जो मेडिसिन है उसको टाइम से लें, रेगुलरली लें एंड इन्फॉर्म यू अबाउट हर प्रेजेंट कंडीशन एज अर्ली एज पॉसिबल। और जो उनकी अभी की कंडीशन है, करंट कंडीशन चल रही है, उसके बारे में मुझे जल्द आप इन्फॉर्म करें। देन यू हैव टू राइट द क्लोजिंग फ्रेज, एंक्शियसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इट मीन्स कि मैं आपके ख़त का जो है रिप्लाई का इंतज़ार बहुत ही बेचैनी के साथ कर रही हूँ। देन यू हैव टू राइट द सब्सक्रिप्शन, योर्स अफेक्शनेटली, आपकी प्यारी, कॉमा एक्स वाई सी। नाउ वी विल डू योर थर्ड लेटर एंड इट इज़ ऑन योर पेज नंबर 19। Write a letter to your sister congratulating her on her success in the exams. अब आपने अपनी सिस्टर को ख़त लिखना है, बहन को ख़त लिखना है और वो एग्ज़ाम्स में पास हो गई हैं, तो उनकी सक्सेस पे आपने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है, अपने ख़त में उनको मुबारकबाद देना है उनकी कामयाबी पे। डियर नजमा, आप कोई भी नाम लिख सकती हैं। Your letter brought the happy news of your excellent result in the final examination of class 9th. कि आपका जो ख़त है उसने मेरे लिए बहुत वो खुशी का बायस बना कि जब मैंने उसमें पढ़ा कि आप 9th क्लास के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं
उसमें आपने एक्सीलेंट आपका रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आया, तो इस खबर से मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास एंड मेंटेन योर पोजिशन। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आप अपनी क्लास में फर्स्ट आई और अपनी पोजीशन जो है आपने मेंटेन रखी, यानी आप पहले भी फर्स्ट आती नहीं हैं तो अब भी आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर बहुत प्राउड है, फ़ख्र है। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आप हमेशा से बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही हैं, बहुत मेहनत करने वाली स्टूडेंट रही हैं। एंड आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट ईयर, फॉर द कंपटिशन विल बी क्वाइट हार्ड। और मुझे उम्मीद है कि आप अगले साल इससे ज़्यादा मेहनत करेंगी, क्योंकि अगले साल का जो कंपटीशन है वो ज़्यादा सख्त हो जाएगा। देन यू हैव टू राइट द क्लोजिंग फ्रेज, एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, अपनी कामयाबी पर मेरी दिली मुबारकबाद को कबूल करें, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू नायला एंड अदर फ्रेंड्स, और नायला और अपनी दूसरी दोस्तों को मेरे अच्छे ख्यालात का उनके लिए आपने इजहार करना है। योर्स अफेक्शनेटली कॉमा एक्स वाई जी, आपकी प्यारी एक्स वाई जी, आप अपना नेम नहीं मेंशन करेंगे। देन योर फोर्थ लेटर, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। अब आपने अपनी वालदा को ख़त लिखना है और उनको जो अभी अभी आपका टेस्ट हुआ है उसके बारे में आपने बताना है। डियर मदर, आई एम सॉरी आई डेंट राइट टू यू अर्लियर एज आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट इन फिज़िक्स। प्यारी अम्मी, मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं आपको पहले ख़त नहीं लिख सकी, क्योंकि मेरे जो फिज़िक्स का टेस्ट था उसकी तैयारी में मैं बिज़ी थी। इट वॉज़ हेल्ड यस्टरडे, ये कल हुआ। माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, टेस्ट में जो मेरी परफॉर्मेंस थी, मेरी कारकर्दगी थी, वो तसल्ली बख्श थी या सेटिस्फैक्ट्री है। आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरे नंबर आएंगे। आई अटेम्प्टेड 11 क्वेश्चंस, मैंने 11 सवाल किए, द आंसर टू वन क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, एक सवाल का जवाब जो है वो गलत था, बट इट वॉज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरी जो मैं वजाहत दे रही हूँ उससे आपको तसल्ली हो गई होगी। पे माई रिगार्ड्स टू एवरी वन एट होम, घर में सबको मेरी तरफ से सलाम दुआ। योर्स अफेक्शनेटली, आपकी प्यारी एक्स वाई जी। द फिफ्थ लेटर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। आपने अपने अब्बू को ख़त लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको एक्स्ट्रा पैसे भेजें ताकि आप अपने हॉस्टल के जो बकाया जात हैं उनको अदा कर सकें। डियर फादर, आई हैव बीन प्लानिंग टू राइट टू यू फॉर मैनी डेज बट कुड नॉट फाइंड टाइम टू डू सो। मैं काफ़ी दिनों से ये प्लान कर रही थी या सोच रही थी कि मैं आपको लिखूं, ख़त लिखूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। माई एग्ज़ाम्स आर ड्राइंग नियर एंड आई एम बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर देम। मेरे इम्तिहान करीब आ गए हैं और मैं उनके लिए तैयारी करने में बिज़ी थी। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज माई कोर्स, मैंने अपना तमाम कोर्स जो है वो रिवाइज कर लिया है, उसको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लिया है, याद कर लिया है। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज़, आपको मेरी तालीम के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस दीज डेज इज़ दैट आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। मुझे जो आजकल मसला दरपेश है वो सिर्फ ये है कि मेरे पास पैसों की कमी हो गई है। एज आई बॉट सम बुक्स विच हैज़ अपसेट माई बजट, मैंने कुछ किताबें ख़रीदी हैं जिन्होंने मेरा बजट जो है वो ख़राब कर दिया है। आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू सेंड मी एट लीस्ट 2,000 रुपीज़। मैं आपकी बहुत शुक्र गुज़ार होंगी अगर आप मुझे कम अज़ कम 2,000 भेज दें टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़ एंड मीट माई अदर नीड्स, मेरे जो हॉस्टल के बकाया जात हैं उनको पे करने के लिए और मेरी बाकी की जो ज़रूरियात हैं मुझे उनको पूरा करने के लिए। अगर आप मुझे कम से कम 2,000 भेज दें तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। योर्स अफेक्शनेटली, आपकी प्यारी एक्स वाई जी।